भारत के दोनों सदनों से सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर अब कानून बन चुका है, जिसके बाद से ही लगातार देश के कई इलाकों में विरोध किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी अब सुलगते सुलगते राजधानी दिल्ली से होते हुए दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुकी है। कई राज्यों में धारा 144 लागू की गई है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा अभी तक बंद है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का भी कुछ यही हाल है। यहाँ एबीवीपी के 13 विद्यार्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये विद्यार्थी CAA के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और रैली और ज्ञापन देने की बात कर रहे थे। ऐसे में SDM के आदेश पर 13 विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रैली निकालने से पहले पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काफी समझाया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी शामिल थे। ये ABVP विद्यार्थी परिषद के बच्चे लोग, ये लड़के थे, ये डेरा पहाड़ी पे इकट्ठे हुए थे, ये कि हम उसके समर्थन में नागरिकता जो विधेयक वो कानून बना उसके समर्थन में। तो मैं, ये लोग कहने लगे कि भाई हम ज्ञापन देंगे, रैली निकालेंगे। मना किया, समझाया, नहीं माना, क्योंकि 144 लगी है। उनको बताया गया अगर इन लोगों के द्वारा फिर भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की गई, इन्हें गिरफ्तार किया गया है।